Priyanka Pandey. I'm 17 years old, studying in 12th standard from Ahmedabad. मॉर्निंग में सुबह चाय पी रही थी, पेपर में उन पर डांस इंडिया डांस के बारे में। डैडी को कहा कि ऑडिशन देने जाना है। अब पापा तो ऑपोजिशन में है कि नहीं करने का है, पर मेरे को शौक है, मैं चाहती हूँ, टैलेंट है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। मैं बता के नहीं आई हूँ घर पे कि मैं आई हूँ। दो दिन से बंक मार रहे हैं स्कूल ट्यूशन दोनों में, हाँ सिलेक्ट हो जाओ तो अच्छा है। फेवरेट एक्ट्रेस मीन्स की डांसिंग में तो शकीरा अच्छी लगती है। फॉर प्रियंका पांडे, कीप वॉचिंग डांस इंडिया डांस। हमारे अगले कंटेस्टेंट को पेश किया जाए प्लीज। इज द साउंड रेडी? ये शौक है आपका डांस करने का? हाँ काफी। और कहीं सीखा आप? नहीं, फर्स्ट टाइम है। ये DID इज ये एक ऐसे डांसर की तलाश में निकले हैं जो इंडिया का बेस्ट हो। मेरे हिसाब से आप बेस्ट नहीं हो। प्रियंका, आप कितने साल के हो? 17। आपको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है बेटा। यू आर नॉट रेडी। आपको कोच नहीं है ना? अच्छा, आप क्यों बनना चाहते हो? मींस आप DID क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप डांस इंडिया डांस क्यों करना चाहते हो? मुझे ना कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, पर मैं डांसर बनना चाहता हूं। आपके फैमिली में पापा मम्मी खुश हैं आपके डांसिंग करने से? ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ना, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं है। बट मैं आपके पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहूंगा कि यू नो डांस बुरा नहीं है। व्हाई उन लोग को क्यों लगता है पता नहीं कि ये डांस बुरा चीज है? प्रियंका, डोंट क्राई। आप अगर सुनोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं? मैं एक लड़की होते हुए ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रियंका ये कह रही है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो डांस इज नॉट बैड। डांस में कोई बुराई नहीं है, और जो आप कर रहे हो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपका अंदाज गलत है इस वक्त, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है। एक अच्छे से टीचर को ढूंढिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप वापस स्टेज पर आओ और हम सबको दिखा दो कि आप इसके अलावा बहुत कुछ कर सकती हो। और आपको अगर कोई और टीचर नहीं मिलता तो आप मेरे पास आइए। गुड, कम टू बॉम्बे, मीट मी एंड वी विल वर्क ऑन यू। ओके, डोंट लूज होप। प्रियंका, स्माइल बेबी। दर्द है सौ राहतें सब मिला। ऑल पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस, प्लीज इनकरेज योर चिल्ड्रन टू डांस। वो एक आर्ट है, वो एक कला है, और अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत, कितनी लगन लगती है। इट्स लाइक अ स्पोर्ट, लाइक एनी अदर स्पोर्ट और एनी अदर प्रोफेशन। पहले बोलना चाहिए था कैसे स्टेप्स नहीं चलते यहाँ पे हमारे लिए। क्या इज दिस द एंड? तो आगे भी तो कर सकते हो ना। गेस्ट में जाके आई थी मैंने पहले कहा था मेरे स्कूल कोच नहीं है, तुम अगले साल वापस कहाँ से कोच अटेंड करो? मिडिल क्लास फैमिली, इसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, वो कोच कहाँ से लेके आएगी? देखो तुम में टैलेंट है बाबा, कम ऑन प्रियंका, कम ऑन। सपने टूटेंगे तो दर्द तो होगा, इसीलिए अपने सपनों को मंजिल बनाने से पहले खुद को मंजिल के काबिल बना लेना बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं प्रियंका अगले साल बेहतर तैयारी के साथ आएंगी